अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। गुड मॉर्निंग। चलो सिट डाउन एवरीवन। सिट डाउन, बी सीटेड। सिट डाउन, सिट डाउन। ओके, सो वेलकम बैक फॉर आवर फर्स्ट लेक्चर। वेलकम टू आवर मंडे। यस और नो, टुडे इज व्हाट? Monday, yes. So today is Monday. Yes. So now which lecture? First lecture कौन सा होता है हमारा Monday को? Yes. English, right? So take out your English book, everyone. Past. Yes. Very good. Yes, very good children. Yes, today is Monday and a English lecture. Okay, very nice. Okay, so now today which roll number? Roll number 29 to last. Okay, so today I will be unmuting roll number 29 till last roll number. Okay, so sabse pehle main unmute karungi. Let me see what we have learned in the last lecture. Who knows? Kisko yaad hai? Teacher ne last lecture mein kya sikhaya tha? Okay, so here I'm going to unmute Shreya Nagnali. Shreya, unmute करो. Yes, teacher. Okay, अभी बताओ हम last English के lecture में क्या study किए थे बेटा? कौन सा topic हुआ था हमारा? Do you remember? कुछ याद है? Yes. हाँ तो बताओ बताओ जल्दी बताओ क्या है, क्या सीखा था हमने? चलो अभी देखो मेरे पास क्या है. ओके, व्हाट इज दिस? पेन. हाउ मेनी पेन? वन पेन. एंड इन दिस हैंड? टू. टू. हाउ, व्हाट आर दिस? टू व्हाट? टू क्या है? पेन है या पेन्स है? पेन है या पेन्स? तो हमने यहाँ पे क्या ऐड किया लास्ट में? मम्मा को नहीं पूछ, एस ऐड किया. अभी ये कितना है? आप देखो ना कितना है. वन. वन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वन? टीचर ने सिखाया था. यस चिल्ड्रेन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वन? वन मीन्स श्रव्या, वेयर आर यू? वन मीन्स अबीर. वन मीन्स, वन मीन्स वॉट? यस रुद्र, वन मीन्स सिंग्यूलर. वेरी गुड रुद्र. एंड मोर देन वन? मेनी मीन्स, मेनी का मतलब क्या होता है? प्लूरल. वेरी गुड रुद्र, वेरी नाइस. व्हाई ओनली रुद्र हैव स्टडीड? यस, बाकी किसी को याद नहीं है. वेरी गुड रुद्र, वेरी नाइस. ओके, सो चिल्ड्रेन इन द लास्ट लेक्चर वी हैव लर्न अबाउट वन एंड मेनी, दैट इज सिंग्यूलर एंड प्लूरल. सिंगुलर मीन्स वन, जब वन होता है एनी ऑब्जेक्ट, दैट इज वन पर्सन, वन एनिमल, वन प्लेस एंड वन थिंग. इट इज वन इन नंबर, वी आर गोइंग टू से इट एज सिंगुलर. एंड वहीं पे जब टू से, वन से ज्यादा होता है, टू थ्री फोर हंड्रेड पीपल्स होते हैं, मेनी पीपल्स होते हैं, बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, क्राउड ऑफ पीपल इन द मार्केट, जब आप जाते हो यू कैन सी सो मेनी पीपल, सो मेनी वेजिटेबल्स, व्हीकल्स, यस और नो? सो डिफरेंट प्लेसेस बहुत सारा होता है, तो इट इज नोन एज प्लूरल. व्हाट इट इज नोन एज? यस अभिजीत, अथर्व, मेनी मीन्स प्लूरल. यस, मेनी मीन्स प्लूरल. वेरी गुड. सो इन द लास्ट लेक्चर इन इंग्लिश वी हैव लर्न्ड अबाउट सिंगुलर एंड प्लूरल. Okay, very good Shreya, now you can mute yourself beta. So now let us see today what we will be learning. Okay, so here I'm going to unmute
Let me see who knows to give, who is going to give me the answer now. Anuj Ram. Anuj Ram, unmute karo beta. And see your carefully teacher. What teacher is drawing. Okay, good morning, beta. Okay, now, ध्यान से देखो what teacher is going to draw. ध्यान से देखो ठीक है क्या है बेटा. गोल. एक गोल. मिनी चुप. क्या बनाया आप. फूल. In English, what do we call this as? Flower. You don't know beta. It is a flower. Yes, it is a flower. Okay, what is the beginning letter for flower? What is the beginning letter for flower? One. Flower का beginning letter बताओ मुझे. Flower कौन से letter? आ? नहीं. Flower कौन से letter से start होता है मुझे ये बताओ आप. इसमें हमें F. Yes. F. Okay. F. Very good. So now Vignesh, do you remember vowel and consonant? आपको vowels and consonant याद है? No. Now, do you remember vowels and consonant, children? How many vowels are there? Yes, children, how many vowels are there? Yes? Fast. How many vowels are there? There are? Yes. Five vowels. Five. Yes. Nobody is going to raise your hand. Now, Vignesh, नेम द वॉवल्स. कौन से वॉवल्स है बताओ मुझे. कौन से फाइव वॉवल्स है नाम बताओ. ध्यान से सुना करो जो टीचर बोलती है ना. ध्यान से सुना करो. उधर ध्यान मत दो. ए ई आई ओ यू. कौन से वॉवल्स होते हैं. ओ यू. ए ई आई ओ यू. ओके नाउ एफ. एफ वॉवल है क्या. देखो एफ वॉवल है. इज एफ वॉवल. अनुज एफ वॉवल है या नहीं मुझे ये बताओ. देखो मारूंगी नहीं तुम्हें. बताओ एफ. अनुज पे अटेंशन. नो. सो व्हाट इज एफ. इट इज नॉट अ वॉवल. सो चिल्ड्रन व्हाट इज एफ. एफ क्या है. एफ क्या है. वॉवल है या कॉन्सोनेंट है. कॉन्सोनेंट. इट्स अ कॉन्सोनेंट. यस इट्स अ कॉन्सोनेंट. ओके नाउ यू कैन म्यूट योरसेल्फ. चलो वेरी गुड. सो नाउ चिल्ड्रेन एफ इज नॉट अ वॉवल. इट इज अ कॉन्सोनेंट. ओके अनुज वेरी गुड. नाउ नेक्स्ट आई एम गोइंग टू अनम्यूट नेक्स्ट स्टूडेंट दैट इज अर्णव पाल. अर्णव पाल अनम्यूट योर सेल्फ एंड हियर आई एम गोइंग टू ड्रॉ समथिंग ऑन द स्क्रीन. यस टीचर. ओके वेट अ मिनट. यस हियर आई एम गोइंग टू ड्रॉ. What is this? Ice cream. Yes, it's an ice cream. Okay, so what is the beginning letter for an ice cream? I. I is a beginning letter. Okay, I for ice cream. Okay, so now, I is a vowel or a consonant? Yes, अभी बताओ मुझे. वॉवल. वेरी गुड. आई इज एन वॉवल. वेरी गुड. सो हाउ मेनी वॉवल्स आर देयर. कितने वॉवल्स है बताओ मुझे. चिल्ड्रन डू यू ऑल रिमेम्बर या भूल गए सब लोग. हाउ मेनी वॉवल्स आर देयर. यस यस सब भूल चुके हो. यस अर्णव हाउ मेनी वॉवल्स आर देयर बेटा. Five vowels. Yes. A, E, I, O, U. And how many consonants are there? 21. Very good. 21 consonant. Okay. Now you can mute yourself. Very good. Very nice. Okay. So children, today we will be learning a very new topic about use of a, wait a minute, huh? Use of a and A N N. Okay, so today we will be learning where we are going to use A and where we will be using N. Okay, so A and N. So what we will be learning today? A and N. Okay, so now children, when there is any
वर्ड स्टार्टिंग फ्रॉम कॉन्सोनेंट, जैसे अभी हमने देखा था फ्लावर, एफ एल ओ डब्ल्यू ई आर फ्लावर, और हमने देखा था आइसक्रीम, आई सी ई सी आर ई ए एम आइसक्रीम. ओके, सो द बिगिनिंग लेटर इज एफ एंड द बिगिनिंग लेटर इज आई, सो एफ इज अ कॉन्सोनेंट. एफ क्या होता है? कॉन्सोनेंट. तो कॉन्सोनेंट के आगे हम क्या यूज करेंगे? ए. ऑलवेज रिमेम्बर व्हेन एनी वर्ड स्टार्ट्स विथ कॉन्सोनेंट लेटर, कोई भी वर्ड हमारा कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट होता है तो हम उसके आगे क्या यूज करेंगे? ए. वी आर गोइंग टू यूज ए. एंड एनी वर्ड विच स्टार्ट्स विथ अ वोवल, देयर वी आर गोइंग टू राइट ए एन. And what we are going to use? A N N. Okay. So now, your children, I am going to share a small video so that you will be understand in a better way. Okay? मैं अभी एक छोटा सा video share करूँगी. Please watch the video very carefully. Everyone, watch the video very carefully and stop playing and eating over there. Everyone, your eyes on the screen. Stop playing, Antra. Nobody is going to play with anything. जो भी हाथ में है उसको नीचे रखो. Fold your hands and sit properly. So here I'm going to share a video for A and A N N. Okay? Wait for few minutes. I'm sharing the video. So children, when any word which starts with a consonant letter, कोई भी word जो consonant letter से start होता है उसके आगे हम क्या use करेंगे? A. Or any word which starts with a vowel, we are going to use wait a minute. If you are able to see the video, please reply a why in the chat box. अगर आप लोगों को वीडियो की आवाज आ रही है, please type why in the chat box. वीडियो की आवाज थी? Yes, yes. Okay, okay. हाँ, thank you so much. Wait a minute, हाँ. Okay. And we use a if that word begins with a consonant sound. For example, a hen, a tree, a pen, a boy. We use an if the word begins with a vowel sound. For example, an egg, an octopus, an apple, an umbrella. I hope you all have watched the video. Was the sound audible? Sabko sound clearly sunai diya?
Yes. So what did we saw in the video? हमने क्या देखा वीडियो में? We saw that when there is any consonant word, कोई भी word consonant letter से start होता है तो उसके आगे हम क्या use करते हैं? Yes. आरोही, why are you raising your hand, आरोही? Don't raise your hand. Okay. So whenever a word starts with a consonant letter, yes, Ayush Tiwari. अभी मुझे बताओ जब कोई वर्ड कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट होता है तो उसके आगे हम क्या यूज करेंगे बेटा? यस आयुष तिवारी, व्हाट वी आर गोइंग टू यूज? ओके, यू डोंट नो व्हाट वी आर गोइंग टू यूज. ओके, यू डोंट पे अटेंशन. आराध्या तोड़नकर, इफ एनी वर्ड स्टार्ट्स विद अ कॉन्सोनेंट लेटर सो हम उसके आगे कौन सा लेटर वर्ड यूज करेंगे, लेटर यूज करेंगे? नहीं, अभी जैसे लिसन लिसन, कोई भी वर्ड कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट होता है. फॉर एग्जाम्पल, वेट अ मिनट, अ ट्री, सॉरी ट्री, ट्री अगर मैं लिखती हूँ, फियर, व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस आराध्या? ट्री. सो व्हाट इज द बिगनिंग लेटर? बिगनिंग लेटर क्या है? ट्री का स्पेलिंग बोलो. ट्री, टी आर डबल ई. ओके ओके, नो प्रॉब्लम सर. ओके ना आराध्या, टी, द बिगनिंग लेटर इज टी. पे अटेंशन ओवर हियर. आई डोंट वांट एनी डिस्टर्बेंस इन योर बैक. कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए मुझे. अभी मुझे बताओ आराध्या, टी वॉवल है या कॉन्सोनेंट है? इसको कुछ बोल. एक मिनट, एक मिनट, कौन पीछे से बोल रहा है? आयुष तिवारी, म्यूट योरसेल्फ. ओके आराध्या तोड़नकर, नाउ से मी, टी, टी इज अ वॉवल और अ कॉन्सोनेंट? वॉवल. वॉवल है टी, कॉन्सोनेंट. तो कॉन्सोनेंट के आगे हम क्या लिखेंगे, क्या यूज करेंगे हम, ए या एन? एन. ए. कॉन्सोनेंट के आगे हम हमेशा ए यूज करते हैं. ओके अभी ये देखो, नाउ व्हाट इज दिस? ए. दिस इज एप्पल. ओके, ए पी पी एल ई, एप्पल. सो व्हाट इज द बिगनिंग लेटर? फर्स्ट लेटर कौन सा है आराध्या इसका? ए. अभी ए क्या है, वॉवल है या कॉन्सोनेंट है, बताओ मुझे. वॉवल. मम्मा आपको हेल्प करते हैं, आपको नहीं पता है, इट इज अ वॉवल. सो व्हाट वी आर गोइंग टू राइट? अच्छा, अभी वॉवल के आगे हम क्या यूज करेंगे? चलो, आपने वीडियो देखा था ना, अभी मुझे बताओ वॉवल के आगे क्या यूज किया था? ए एन एन. यस, ए एन एन. सो चिल्ड्रन ऑलवेज रिमेम्बर, व्हेन देयर इज अ कॉन्सोनेंट इन द बिगनिंग वी ऑलवेज राइट ए. और अगर स्टार्टिंग में कोई भी वर्ड के स्टार्टिंग में वॉवल होगा तो हम लिखेंगे ए एन एन. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज टॉपिक. हियर आई एम गोइंग टू शेयर टुडेज डॉक्यूमेंट एंड प्लीज पे अटेंशन. आई एम वॉचिंग सो मेनी चिल्ड्रेन, दे आर नॉट पेइंग अटेंशन. कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, किसी का भी ध्यान नहीं है लेक्चर में. वाई वाई? यस, वाई यू पीपल आर नॉट पेइंग अटेंशन? अगर आप ध्यान नहीं दोगे फिर आपको एग्जाम में आंसर्स कैसे आएंगे? सबको ध्यान देना है, छुट्टी खत्म हो गया है, अभी कोई भी सोएगा नहीं. So here I am going to share today's document and today we will be learning the uses of A and A-N, N. Okay? Yes, so here is a document on the screen. So our today's topic is A and A-N. And okay, so today we will be learning the uses of A and A N and. So now coming to the next. Yes, so what is, how we are going to use A, where we will be using A, hum A ko kahan use karenge?
If you want to take a screenshot, parent, you can take a screenshot. A is used before the word that starts with the sound of consonant. अभी टीचर ने आपको बताया था हम A कहाँ पे यूज करेंगे, जहां पे कोई भी वर्ड कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट होता है. यस ऑर नो? व्हेन अ वर्ड स्टार्ट्स विद द साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट वी आर गोइंग टू यूज ए बिफोर दैट वर्ड. वो वर्ड से पहले, बिफोर मीन्स पहले, व्हाट वी विल बी यूजिंग ए बिफोर कॉन्सोनेंट वर्ड. यस ऑर नो? कॉन्सोनेंट लेटर एंड ए एन एन. ए एन एन is used before the word that start with the sound of vowel. Yes. So where we are going to use a and an? Before the word that starts with a vowel sound. Apple, orange, ice cream. So what is the beginning letter over there? A vowel. So what we are going to use over there? Hum wahan pe kya use karenge? A and an. Yes. And children always remember, हमेशा याद रखना है, we use a and an and to talk about singular object. जब हम एक ही object के बारे में बात करते हैं, one apple, one ice cream, one tree, one pen, जब हम लोग single singular object के बारे में बात करते हैं तो हम क्या use करते हैं? A और an and. जब हमारे पास only one object होता है, I have a pen. ए पेन मतलब मेरे पास एक ही पेन है. आई हैव एन एप्पल. एन एप्पल मतलब मेरे पास एक ही एप्पल है. जब हमारे पास ओनली वन ऑब्जेक्ट होता है तब हम क्या यूज करते हैं? ए एंड ए एन एन. ओके, सो नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल्स. ओके, चलो नाउ ऑन द स्क्रीन यू कैन सी सम एग्जांपल एंड द यूज ऑफ ए. हम ए कहाँ पे यूज करेंगे और किसके बिफोर यूज करेंगे. ओके, सो प्लीज पे अटेंशन ओवर हियर. नोबडी इज गोइंग टू टॉक और डू मस्ती. ओके, कोई भी यहाँ वहां नहीं देखेगा. सो हियर आई एम गोइंग टू अनम्यूट. लेट मी सी हु इज गोइंग टू कम एंड गिव मी द आंसर. सो हियर आई एम गोइंग टू अनम्यूट. कैवल्य, Kaivalya, please read the words. Yes, Ayush Kanthamani, on your webcam. Arnav Pal, on your webcam. Anchita Jagtap, on your webcam. Fast. In 2 minutes, I want to see your webcams on. Otherwise, मैं आपको क्लास के बाहर निकाल दूंगी. श्रेया नागनली, वेबकैम ऑन करो. जल्दी. Okay, Kaivalya, now see here. What can you see on the screen? Pictures. Tiger. Tiger. Very good. So now, Kaivalya, what is the beginning letter? Yes. What is the beginning letter for a tiger? Beginning letter क्या है? देखो tiger का. T. T. अभी T क्या है? Vowel है या consonant है? Consonant. हाँ. तो consonant के आगे हमने क्या use किया है? देखो. कॉन्सोनेंट के आगे हमने ये क्या लिखा है रेड कलर में? ए. हमेशा याद रखना है आपको, व्हेन एनी वर्ड स्टार्ट्स विद अ कॉन्सोनेंट लेटर वी आर गोइंग टू राइट देयर ए. वेरी गुड. नाउ नेक्स्ट वन, व्हाट इज दिस नेक्स्ट? सी द पिक्चर, लुक एट द पिक्चर. Yes, Kaivalya, where are you? Hello, Kaivalya. Yes. Yes, look at the second picture. Sharpener. Sharpener. So, what is the beginning letter for a sharpener, bacha? First letter kya hai, dekho, sharpener ka? S. S. Abhi S kya hai, vowel hai ya consonant hai? Consonant. Consonant. So, what we are going to write before consonant? A. A sharpener. What we are going to say? A sharpener. A sharpener. Okay. Now look at the next picture. Book. Come on. Book. So what is the beginning letter for a book? B. B. Now B is a?
consonant. Consonant. And what we are going to use before consonant letter? A. A. Very good. Very nice. Now look here. First picture. M. M. Picture kya hai wo? M for? Mango. Mango. Abhi, what is M? Vowel or consonant? M. Vowel hai ya consonant hai, beta? Consonant. Yes. So, what we are going to write in before consonant? A. A. Very good. Now, next picture. Chair. Chair. So, what is the first letter of a chair? C. C. So, what is C? Vowel or consonant? Consonant. Consonant. So, what we are going to write in front of consonant? A. A. Very good. Now, last picture. Last picture. Ball. Ball. And the first letter? B. B is a vowel or consonant? Consonant. So, what we are going to write before consonant? A. A. So, abhi samajh mein aaya? So, children, yes. Whenever in the starting first letter hamara consonant hoga, to hum kya use karenge? When there is a consonant yes. letter in... Yes, kya use karenge hum? A. A. What we are going to write there? A. Before consonant, we are going to write A. Okay? So, we are going to write A. Very good, Kaivalya. Now, you can mute yourself, Kaivalya. Welcome. Okay. So, I hope, children, you all have understood. Whenever a word starts with a consonant letter, means kya? Agar koi bhi word hamara consonant letter se start hota hai, to hum uske aage kya use karenge? What we are going to write? A. A tiger, seer. A tiger, a sharpener. A book, a ball, a chair, a mango. And all the first letter, jitna bhi beginning letter hai, it is a consonant. Okay? Chalo, now coming to the next. Now let us see what is next. Yes. So your children, you can see so many words. And here we are going to see where we will be using A and N. Chalo, A and N kahan pe use hota hai? So here I'm going to unmute next student and who is going to come and read this? Kushal. Unmute yourself, Kushal. Yes, Kushal, unmute yourself. Okay, Kushal. Unmute karo beta. Yes. Can I unmute? Ho gaya. Okay. Now, Kushal, look at the first picture. Elephant. Elephant. And what is the first letter of elephant? C. What is the first letter for elephant? E. E. Now, what is E? Vowel or consonant? What is E? Vowel. Vowel. Very good. E is a vowel. So, hum vowel ke aage kya use karenge, beta? What we are going to use? N. A N. Yes. A N N. What we are going to write there? A N N. Very good. Now, look at the next picture. Abhi next picture kya hai ye? Ink. Ink pot. Yes. And what is the first letter for ink pot? First beginning letter kya hai? I. Now, batao mujhe, what is I? Vowel or consonant? Vowel. Yes, it is a vowel. So, what we are going to write before vowel? A N. Yes, A N N. So, children always remember before vowel, we are going to write
A-N-N, okay? Always remember, हम vowel के आगे क्या लिखेंगे? A-N-N. Now look at this picture. What is this? N. चलो बताओ जल्दी, ये क्या है? Aeroplane. And what is the first letter for aeroplane? A. A. Now बताओ मुझे क्या है? A क्या है? Vowel. Vowel है. तो vowel के आगे हम क्या use करेंगे? What we are going to use in front of vowel? A N N. Yes, we are going to use A N N. Very good. Very nice. Okay. Now coming to the next. Wait a minute, huh? Now look here. First picture. Apple. Apple. So what is the beginning letter for an apple? A. A. What is A? Vowel or consonant? Vowel. So what we are going to write in front of vowel? A N N. Very good. Now look at the second picture. Orange. Orange. And what is the beginning letter for orange? O. O. What is O? Vowel or consonant? चलो बताओ मुझे O क्या है? Vowel है या consonant है? Vowel. Vowel. So what we are going to write before vowel? Vowel के आगे हम क्या लिखेंगे? A N N. Yes, A N N. Now look at the last picture. Umbrella. Yes, umbrella. So what is the beginning letter for an umbrella? A N. I beginning letter क्या है? U. U. U क्या है हमारा? U vowel है या consonant है? Vowel. Vowel. So what we are going to use there? हम क्या use करेंगे? A N N. A N N. What we are going to use there? A N N. Very good. Okay, so children, yes, always remember when a word starts with a vowel. अगर वॉवल से वर्ड स्टार्ट होगा तो हम क्या यूज करेंगे वहां पे कुशल? ए एन. ए एन, नॉट एम. ए एन एन. ओके, सो ऑलवेज रिमेम्बर, हमेशा याद रखना है. ओके, चलो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट. यू कैन म्यूट योर सेल्फ कुशल. वेरी नाइस, वेरी गुड. ओके, सो ऑलवेज रिमेम्बर, हमेशा याद रखना है. वेलकम बेटा. Yes. So now next I'm going to unmute next student. That is Aryan Singh. Are you present? Yes. Unmute yourself, Aryan Singh. Yes, teacher. Okay. चलो अभी मुझे बताओ कि हम A कहाँ पे यूज करेंगे और A N N कहाँ पे यूज करेंगे. जल्दी बताओ. चलो. हाँ, ए कहाँ पे यूज करना है हमें? कौन से वर्ड के आगे हमें ए यूज करना है? कौन से लेटर के आगे? ई. अभी मुझे बताओ ए. ए. अभी मुझे ए. अभी ए किसके आगे लिखूंगी? वॉवल के आगे या कॉन्सोनेंट के आगे? ये बताओ. वॉवल के आगे. वॉवल के आगे ए यूज करेंगे हम. और ए एन एन? वॉवल. दोनों भी वॉवल के आगे यूज करना है. यहाँ पे स्क्रीन पे देखो आपके. एवरीवन टेक आउट योर टेक्स्ट बुक, राइट टुडेज डेट एंड सी. हियर आर सम मोर एग्जांपल. नहीं, देखो यहाँ पे आर्यन सिंह, लुक हियर. वी यूज ए बिफोर द वर्ड्स दैट बिगिन विथ कॉन्सोनेंट. हम ए कहाँ पे यूज करते हैं? व्हेन द वर्ड बिगेन्स विथ कॉन्सोनेंट. अभी ये फर्स्ट वाला पिक्चर क्या है देखो? हॉर्स. हॉर्स. और उसका फर्स्ट लेटर क्या है हॉर्स का? हॉर्स का फर्स्ट लेटर क्या है? ए. एच. एच क्या है? वॉवल है या कॉन्सोनेंट है? मुझे ये बताओ.
एच क्या है, वोवल है, कॉन्सोनेंट। तो हमने कॉन्सोनेंट के आगे क्या लिखा है देखो, कॉन्सोनेंट के आगे ए। अभी ये क्या है सेकंड पिक्चर, बॉय, बॉय। और बॉय का फर्स्ट लेटर क्या है, बी। बी क्या है, वोवल है या कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट। तो हमेशा याद रखना है कॉन्सोनेंट के आगे हम क्या लिखेंगे, ए। कॉन्सोनेंट के आगे क्या लिखेंगे, ए। अभी ये कौन है, गर्ल, गर्ल। फर्स्ट लेटर क्या है गर्ल का, जी। चिल्ड्रन प्लीज कीप योर फिंगर, एवरीवन कीप योर फिंगर ऑन योर बुक एंड रीड द स्पेलिंग। यस, जी इज द बिगिनिंग लेटर एंड जी इज वोवल और कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट। वेरी गुड, सो व्हाट वी आर गोइंग टू राइट बिफोर जी, कॉन्सोनेंट के आगे हम क्या लिखेंगे, ए। ए, वेरी गुड। नाउ लास्ट पिक्चर, क्या है देखो गर्ल के बाजू में, ये कौन है, विच एनिमल, जिराफ, नो इट्स अ कैमल। सो व्हाट इज द बिगिनिंग लेटर फॉर अ कैमल, सी। सी, नाउ सी इज अ वोवल और अ कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट। तो हम कॉन्सोनेंट के आगे क्या यूज करेंगे बेटा, ए। ए हमेशा याद रखना है, ओके, वेरी गुड बॉय। चलो अभी म्यूट करो, गुड बॉय, ओके। नाउ नेक्स्ट विग्नेश, अनम्यूट योरसेल्फ विग्नेश। मैं मजा आए, गुड मॉर्निंग टीचर। ओके विग्नेश, नाउ लुक एट द नेक्स्ट साइड, यर, सी व्हाट इज रिटन ओवर यर, क्या है ये देखो, ए एन, ए एन एन। So where do we use a and an? We use a and an before the words that begins with vowel. जब vowel से कोई भी word start होता है तो हम क्या use करेंगे विग्नेश? हम क्या use करेंगे? A and an. Okay, now look at the first picture. First picture देखो क्या है? Ice cream. Like ice cream का है first picture. Elephant. Elephant. And what is the first letter of elephant? Elephant का first letter क्या है देखो? E. E. Now E is vowel or consonant? Vowel. Vowel. तो vowel के आगे हम क्या use करेंगे? कि टूट गई मेरी. हाँ, पहले यहाँ पे ध्यान दो. Vowel के आगे हम क्या use करेंगे विग्नेश? A N N, yes, A N N. So children, please keep your finger on your book. Now, what is this, children? Which picture? Umbrella. Umbrella. And what is the beginning letter of umbrella, children? Yes, everyone. Say, what is the first letter of umbrella? U. And U is vowel or consonant? ये बताओ मुझे U क्या है? Vowel. Yes, और vowel के आगे हम क्या use करेंगे? An. Yes, अभी next picture बताओ मुझे. An. An. अभी ये picture कौन सा है? Ice cream. Ice cream. First letter क्या है? I. I क्या है? Vowel है या consonant है? वोवल, वोवल, वोवल के आगे क्या यूज करेंगे हम? ए, ए एन एन। अभी लास्ट वाला पिक्चर बताओ मुझे, व्हाट इज द लास्ट पिक्चर? मैंगो, मैंगो, सी, देख अच्छा से देख, ऑरेंज, इज इट अ मैंगो, ऑरेंज। एंड व्हाट इज द फर्स्ट लेटर फॉर ऑरेंज? ओ, ओ, सो इट इज अ वोवल और कॉन्सोनेंट? वोवल, सो व्हाट वी आर गोइंग टू राइट, वोवल के आगे क्या लिखेंगे हम? एन। यस, वेरी गुड विग्नेश। नाउ म्यूट योरसेल्फ, सो चिल्ड्रन ऑलवेज रिमेम्बर वी आर गोइंग टू यूज ए बिफोर द वर्ड्स व्हिच बिगिंस विद कॉन्सोनेंट एंड ए एन एन फॉर द वर्ड्स दैट बिगिंस विद अ वोवल, ओके। So here I'm going to unmute
Sarth. Okay, Sarth, unmute yourself. Yes, teacher. Okay, चलो अभी मुझे बताओ, ये पिक्चर देखो आप and you have to solve it. Okay, look at the picture. What would you use, A or A-N-N, before each of the following words? Okay, and color the correct circle. You have to color the correct circle. First you have to look at the picture. आपको picture देखना है. First yes. letter क्या है, vowel है या consonant? Okay, and what we are going to use, आपको बताना है मुझे. आप बोलोगे and आप picture को color करोगे. Here I am going to share the pen and only Sarth is going to do. ओके अगर मैंने किसी का भी नेम स्क्रीन पे देखा तो वो क्लास के बाहर. ओके साथ परी हैंड्स डाउन ओके साथ नाउ लुक एट द फर्स्ट पिक्चर. आयुष कंसा बनिंग हैंड्स डाउन. फर्स्ट पिक्चर क्या है सार? पिक्चर नाउ सांगा एप्पल. एप्पल अभी मुझे बताओ एप्पल व्हाट इज द फर्स्ट लेटर ऑफ एन एप्पल. आरोही यू वॉन्ट टू गो आउट ऑफ द क्लास नाउ. आरोही ए अभी मुझे ये बताना ए वॉवल है या कॉन्सोनेंट है. वॉवल वॉवल है राइट. तो अभी वॉवल के आगे हम कौन सा लेटर वर्ड यूज करेंगे देखो. क्या यूज करेंगे हम ए. तो उसको कलर करो. चलो कलर करो वो सर्कल को कलर करो सार. Color the circle, Sarth. Yes, very good. Now, next picture. Fast, fast. Batao jaldi, jaldi. Umbrella, first letter. U. Vowel consonant. A-E-I-O-U. Oval set, na? Umbrella ka hai. चलो तो अभी सही वाला लेटर को सर्कल करो. ए को एन को किसको सर्कल कलर करोगे. यस करो जल्दी. Now next picture. Ball first letter. B. Vowel consonant. Arohi hands down. Consonant. Chalo now select the correct letter. A. A N. Circle it, color it. Now next one. Come. Yes, first letter. Yes, so it is a vowel or a consonant? Consonant. हाँ तो क्या सर्कल करेंगे हम, कौन से लेटर को सर्कल करेंगे. परी आदिति हैंड्स डाउन. चलो करो जल्दी. यस वेरी गुड एंड दिस इज द बिग स्टार फॉर सार. Yes, very good, Sarth. Very nice. Okay, good boy. Thank you, teacher. Very good. See, children, if you are going to scribble, na, mera screen hang ho jayega. Agar aap aise scribbling karoge, to teacher ka screen hang ho jata hai. Okay, Sarth, now you can mute yourself. Yes, very good, Sarth. That means you have understood where we have to use A and where we have to use A N N. Very nice, very good, beta. Okay. Now next, I'm going to unmute Shaurya. Shaurya, raise your hand. Just raise your hand, Shaurya. And children, please open this page and try to solve this. Chalo, C W likho and sab log isko solve karo ye page ko. Fast, fast. Everybody solve this page. Yes, Shaurya, now you are going to solve this. Good morning, beta. Chalo, now you will solve.